अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के मंत्री की काली कमाई का रहस्य लोक और काली डायरी का राज। अर्पिता और पार्थ चटर्जी की काली कमाई के रहस्य लोक में आपका स्वागत है। इस रहस्य लोक में अकूत दौलत के जितने भी कमरे हैं, उन सब का दरवाजा एक एक कर खुलने वाला है। काली कमाई के गुलाबी और हरे नोटों का ये अंबार उस रहस्य लोक का महज पहला कमरा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक भुवनेश्वर से वापस कोलकाता लाए गए पार्थ चटर्जी से सॉल्ट लेक के ईडी ऑफिस में लगातार पूछताछ चल रही है, मगर पार्थ का मुंह खुलवाना मुश्किल हो रहा है। वहीं अर्पिता मुखर्जी ईडी के सामने काली कमाई के राज लगातार खोल रही है। इसी के तहत ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने बता दिया कि उसके घर से बरामद 21 करोड़ के ये गुलाबी और हरे नोट मंत्री पार्थ चटर्जी के हैं। इसके साथ ही पार्थ चटर्जी के काले खजाने के दूसरे कमरों को भी अर्पिता ने खोलना शुरू कर दिया है और इस कड़ी में वो काली डायरी बेहद अहम सबूत बनकर सामने आई है, जिसे ईडी ने पार्थ चटर्जी के घर से बरामद किया है। इस काली डायरी में काली कमाई के कई राज हैं। ये डायरी बंगाल सरकार के उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा विभाग की है। सूत्रों के मुताबिक इसमें 40 पन्ने हैं, जिनमें लेन देन का काफी ब्यौरा दर्ज है। इसमें कई लोगों के नाम मौजूद हैं। ईडी के अधिकारी उन नामों की लिस्ट बना रहे हैं। कई मंत्रियों के नाम और मोबाइल नंबर डायरी में दर्ज हैं। ईडी सूत्रों की माने तो ये डायरी स्कूल भर्ती घोटाले की कई परतें खोल सकती है। ईडी के अधिकारियों का दावा है कि काली कमाई का ये रहस्य लोक महज 21 करोड़ का नहीं है। उनका दावा है कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के नाम से करीब 140 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। काली डायरी के आधार पर ईडी अधिकारियों का कहना है कि पार्थ चटर्जी की कोलकाता, बीरभूम, हुगली, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना सहित कई जिलों में बेनामी संपत्ति है। इसके साथ ही ईडी ने दावा किया कि अर्पिता ने करोड़ों की काली कमाई को सफेद बनाने के खेल का भी खुलासा किया है। उसने बताया कि फ्लैट से बरामद 21 करोड़ रुपए अर्पिता से जुड़ी कंपनियों में लगाने की योजना थी। अगर ईडी ने एक या दो दिन की देर की होती तो ये सारा पैसा यहाँ से बाहर निकल जाता। ईडी के मुताबिक प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अर्पिता मुखर्जी ने पैसों की हेराफेरी के लिए करीब 12 फर्जी कंपनियां खोल रखी थी। इनमें काला पैसा डालकर सफेद करने का खेल होने वाला था। सूर्याग्नि रॉय, इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।